कृषि और पशुपालन आपस में जुड़े हुए हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में पशुओं के लिए 8 से 9 महीने सूखा चारा ही मिल पाता है। पौष्टिक चारे के अभाव में पशुओं का दूध उत्पादन कम होता जाता है। पशुपालकों और किसानों की कम आमदनी के तौर पर इसका सीधा असर दिखाई देता है। राजस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के वैज्ञानिकों ने हरे चारे के तौर पर अजोला का विकास कर कीर्तिमान स्थापित किया है। अजोला से पशुओं को साल भर हरा चारा उपलब्ध रहता है। राजस्थान जलवायु के अनुसार शुष्क राज्यों में गिना जाता है। राजस्थान के निवासी खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में ग्रामीण बहुतायत में दुधारू पशु पालते हैं। राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में बरसात के मौसम में ही हरा चारा मिल पाता है। साल भर पशुपालकों को हरे चारे की कमी की समस्या से जूझना पड़ता है। पशुपालकों की मदद के लिए कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर ने हरे चारे का प्रतिपूरक अजोला नाम से विकसित किया है। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर ने अजोला पैदा करने के लिए 25 यूनिट लगाई है। अजोला तेजी से बढ़ने वाली एक प्रकार की जलीय फफूंद है। अजोला फफूंद पानी की सतह पर तैरती रहती है। अजोला में प्रोटीन अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। अजोला के उत्पादन हेतु कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर ग्रामीणों की मदद भी करता है। अजोला का जो बीज है बड़ा महंगा आता है, वो 50 रुपया किलो बीज आता है। तो हमने आज किसानों के जब किसान यहाँ आते थे वो पूछते थे ये अजोला कहाँ मिलता है, उनके लिए आज हमने सबसे बड़ा जो सुगम साधन हमने बनाया है कि हमने खुद ने कृषि विज्ञान केंद्र ने हमने बड़े प्रयास से यूनिवर्सिटी के प्रयास से हमने इस अजोला यूनिट को यहाँ पर स्थापित करा दिया। अब हाँ 25 के किसानों के यहाँ विभिन्न जो विलेजेज हैं उनमें ये यूनिट चल रही है। मैं खुद वहाँ जाके उनको मैंने उसको तैयार करवाया है और बीज मैंने यहाँ उनको निःशुल्क दिया है। हरे चारे के प्रतिपूरक अजोला का उत्पादन बहुत ही आसान है। अजोला के उत्पादन के लिए 6 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी क्यारियों का निर्माण किया जाता है। क्यारियों की गहराई 0.2 मीटर रखी जाती है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए इस क्यारी में प्लास्टिक भी लगाई जाती है। अजोला के उत्पादन की जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि वैज्ञानिक ग्रामीणों को दे रही हैं और पशुओं के हित में अजोला उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक सिलोपिटीन की एक थैली आती है, उसको हम बिछा देते हैं और उसको बिछा के ऊपर उसकी जो किनारे हैं मिट्टी से ढक देते हैं। इसके बाद में हम किसान भाइयों उपजाऊ मिट्टी 80 से 100 किलो उपजाऊ मिट्टी की परत उस क्यारी में जमा देते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, 5 से 7 किलो गोबर 3 दिन पुराना होना चाहिए उसको 15 लीटर पानी में घोल के उस मिट्टी के ऊपर हम उसको डाल देते हैं। इसके बाद में उसको क्यारी को हम पानी से भर देते हैं और क्यारी में पानी भरने के बाद उसमें 1 किलो बीज को हम छोड़ देते हैं। ये आपका बनाने का इसका स्टार्ट करने का तरीका हो गया। अब इसकी जो बढ़वार है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि इसकी 3 दिन में वो अजोला दुगना हो जाता है, यानी 3 दिन में दुगना हो जाता है। और इसको दूसरे रूप में मैं कहूँ तो डेढ़ किलो पर वर्ग मीटर प्रति सप्ताह इसकी उपज होती है। अजोला एक सस्ता सुपाच्य एवं पौष्टिक पूरक पशु आहार है। अजोला पशुओं में प्रोटीन, वसा और खनिज लवण की पूर्ति करता है। अजोला से पशुओं की कैल्शियम, फास्फोरस और लौह तत्व की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। अजोला खाने वाले पशुओं का शारीरिक विकास अच्छा होता है। अजोला में 30% प्रोटीन, 30% वसा, 50 से 70% खनिज लवण और 12 से 13% रेशा पाया जाता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अजोला पशुओं में दुग्ध उत्पादकता में 15 से 20% की वृद्धि करता है। अजोला भैंसों, गायों, भेड़ बकरियों और मुर्गियों के लिए आदर्श चारे के रूप में दिया जा सकता है। आप उस पानी में से अजोला को निकालिए, उसको साफ पानी से धोइए और अगर आपको बड़े पशु को खिलाना है तो प्रतिदिन 2 किलो खिलाना है, जैसे गाय भैंस को। अगर आपको मुर्गियों को खिलाना है तो 20 से 30 ग्राम पर डे खिलाना है। अगर आपको बकरियों को खिलाना है तो 150 से 200 ग्राम आपको खिलाना है। तो ये हुआ इसका
इसका ये पूरा कि भाई किस तरह इसको खिलाना है। और आज इसको लोग बड़े चाव से पशु खा रहे हैं। इसको अगर दूसरे रूप में कहें तो इसको हम पशुओं का अचार भी कहते हैं। वर्ष भर अगर दुनिया में कोई घास है जो वर्ष भर चलता हो वो अजोला है, और अजोला पिन्नाटा कृषि विज्ञान केंद्र ने अजोला पिन्नाटा को यहाँ पर हमने लगाया है। अजोला को हरे चारे के रूप में विकसित किया जा सकता है। अजोला की उत्पादन लागत बहुत कम है। अजोला की उत्पादन लागत ₹1 प्रति किलो आती है। सस्ता होने के कारण अजोला पशुपालकों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अजोला चारे की कमी का पूरक है। अजोला पशुओं के दूध उत्पादकता बढ़ा पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में सफल हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर अजोला उत्पादन की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। 26 नवंबर का अपना ऐतिहासिक महत्व है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल भारतीय डेयरी उद्योग के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन की स्मृति में मनाया जाता है। सभी प्रांतों में इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। डेयरी सहकारी महासंघों के साथ इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का आयोजन दिल्ली स्थित इंडियन डेयरी एसोसिएशन कार्यालय में किया गया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर भारत में श्वेत क्रांति लाने वाले दिग्गज डॉक्टर वर्गीस कुरियन को याद किया गया। देश में दुग्ध क्रांति लाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सभी ने सराहा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके भावी पीढ़ी हेतु डेयरी उद्योग के पथ प्रदर्शक पद्म विभूषण डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर भावी पीढ़ी हेतु डेयरी उद्योग के पथ प्रदर्शक पद्म विभूषण डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्रद्धांजलि दी गई। इंडियन डेयरी एसोसिएशन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सरकारी संस्थानों के अधिकारियों के साथ डेयरी उद्योग से जुड़े व्यवसायियों ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पानी के बिना खेती संभव ही नहीं है। मॉनसून की बारिश भी इस साल सामान्य से कम ही रही है। ऐसे में अगर जल संरक्षण किया जाए तो खेती किसानी में काफी मदद मिल सकती है। आज हम आपको दिखाएंगे जल संरक्षण करने वाले एक ऐसे किसान की कहानी जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे वाह किसान। स्वयं और समाज के विकास से ही आगे बढ़ना संभव हो सकता है। जल संरक्षण समय की मांग है। समय की मांग को समझकर आज किसान उसके साथ कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहा है। प्रगतिशील किसान नवीन तकनीक और अपने अनुभव से आगे बढ़ रहा है। आसाम के कामरूप जिले के किसान ने पानी संरक्षण के महत्व को पहचाना। सरकारी योजनाओं से लाभ उठा, विकास की राह पर कदम बढ़ा दिया। वह किसान के हकदार कामरूप जिले के वनमाली चौधरी ने सरकारी मदद से जल संरक्षण के प्रयास किए। जल संरक्षण से वनमाली चौधरी कृषि में सफलता की ऊंचाइयों को छूने में सफल हुए हैं। किसानों के हित में जल संरक्षण हेतु सरकार अनेकों योजनाएं संचालित कर रही है। वनमाली चौधरी ने अपने खेत पर जल संरक्षण हेतु तालाब का निर्माण किया। सरकारी मदद से वनमाली चौधरी ने पंप के जरिए खेतों की सिंचाई शुरू की। संरक्षित जल से वनमाली चौधरी ने अपने खेतों में सब्जियां उगाकर प्रगतिशील किसान बनने में सफल रहे। मीन विभागर परा मरकामरूप जिला मीन विभागर परा 0.25 व्यक्तिगत पुखरी आँचनी एटा स्कीम दिले और ये स्कीम मते मैं यार पुखरी तो खान दिलूँ अपन लोग देखी से पुखरी तो खान दी और नतुनक माँ चाच दे दीम और यार फल मैं देखी जो ये षोलो विघा माटित गोटेखी मैं पानी दु पारिम और बर्तमान कृषि विभाग विद्युत चालित पाम्प सबसिडी दी आसे और सही मते मैं आनीसूँ और तार मैं जथेष उपकृत हूँ। जो बस मैं जथेष कबि खेती लाभ करूँ और आज प्राय तीन बस माना जीखी प्रजुक्ति विद्या आरम्भ कर मैं कामरूप डिस्ट्रिक्टर खेती कम्पिटिशन जॉइन करूँ और कामरूप डिस्ट्रिक्टर भर प्रथम पुरस्कार पाई। प्रगतिशील वनमाली चौधरी ने तालाब में पानी संग्रहित कर मछली पालन भी कर रहे हैं। बरसात के समय संचित पानी का उपयोग कर प्रगतिशील वनमाली चौधरी अपने खेतों में टमाटर, बैगन, फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर उगाते हैं।
प्रगतिशील वनवाली चौधरी को कामरूप जिला खेती प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रगतिशील वनवाली चौधरी ने पानी की कमी में भी उन्नत कृषि पर सफलता पाई। प्रगतिशील वनवाली चौधरी आज क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। प्रगतिशील वनवाली चौधरी ने अपनी मेहनत से कृषि क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है। सरकारी संस्थान भी प्रगतिशील वनवाली चौधरी को सफलता दिलाने में मददगार रहे हैं।